अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्यू एन ए विद पीजे मीर. हम बात कर रहे हैं डेवोस के अंदर जो हो रहा है. ये 1971 में ये इदारा बना था एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फिर 87 में इसका नाम चेंज हो गया था टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. यहाँ ये एक थे मिस्टर श्वाब, एक प्रोफेसर, उन्होंने इसको खोला और बुलाया. और मेन आइडिया ये था कि यहाँ इंटरैक्शन हो ऑफ वर्ल्ड बिजनेस लीडर्स एंड अदर पॉलिटिकल लीडर्स. तो ये हमने देखा है कि आज जो डेवोस की बात कर रहे हैं, जो ईस्टर्न कॉलोनी में है, स्विट्ज़रलैंड में, इसका मकसद है क्या, इस पर भी बात करेंगे. लेकिन जो बात हुई है, जो हमारे सामने आई है, वो ये है कि बड़ी सिंपल कि हमारे वज़ीर आज़म ने कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान इनके जो रिश्ते हैं बड़े अच्छे हो गए. प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा हम जी कश्मीर पे मुतलक बड़ी बातें कर रहे हैं, हम कश्मीर पे भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं. इससे बड़ा झूठ आपने सुना ही नहीं कहीं भी, क्योंकि कश्मीर में जो हो रहा है ये अमेरिका क्या कर रहा है, झूठ बोला है. अच्छा, उसके बाद हमारे वज़ीर आज़म ने कहा हमारे रिश्तेदार ये जो हैं अमरीकी, ये अफ़गानिस्तान के अंदर भी हम काम कर रहे हैं ताकि अफ़गान और जो ये इस खत्ते के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उसको रिजॉल्व किया जाए. कश्मीर का उन्होंने ज़िक्र किया, पर्टिकुलरली इंडिया का, कि इंडिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए और अमेरिका को एक रोल प्ले करना चाहिए. फिर साथ साथ उसके बाद ट्रेड की भी बात हुई है और उनकी टीम में जो लोग गए हैं, मैं समझता हूँ कि उन पर एक तनकीद भी हो रही है. लोग कहते हैं ये मोहित यूसुफ कौन है, ये किधर से आ गया है. फिर उसके बाद जुल्फ़िकार बुखारी, इनका क्या, दोनों का रोल है, ठीक है, हफीज़ शेख साहब उनका बिल्कुल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में है, एम्बेसडर एट लार्ज अली जहांगीर सिद्दीकी गए, एंड दीगर और आप कह लो कि जो लोग गए हैं, रजाक दाऊद जैसे लोग, सो दे गुड. लेकिन हमेशा इस विज़िट पर, कोई भी विज़िट हो, अमेरिकन विज़िट पर भी इनकी तनकीद हुई थी हमारे वज़ीर आज़म की. लेकिन द क्वेश्चन अराइज़ेस कि आज जो हमारे साथ जो इस वक्त सिचुएशन है वो कहाँ है, क्या है और किस मरहले पर. मेरे साथ यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू फ्रांस एंड ऑफकोर्स ऑल्सो वंस द चीफ ऑफ प्रोटोकॉल, बिकॉज इनको ज़्यादा पता है कि वर्किंग्स किस तरह होती हैं. गालिब इकबाल, इनको आज हमने यहाँ बुलाया. लाहौर के स्टूडियोज़ में रिनाउंड एंकर एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर एंड एनालिस्ट इमरान खान मौजूद है. और ऑफ कोर्स कराची में हमारे साथ मौजूद है जमील अहमद खान, फॉर्मर यूनाइटेड नेशंस में इन्होंने एक अपनी असाइनमेंट्स की हैं, एंड ऑफ कोर्स इज बीन एम्बेसडर टू लिबिया एंड अदर कंट्रीज़. आज एक फॉरेन पर्सपेक्टिव लेंगे कि फॉरेन पर्सपेक्टिव में सबसे पहले तो आप जो बैठते हैं टीवी देखते हैं, ओ जी वज़ीर आज़म डेवोस गए, और आपको पता है डेवोस में होता क्या है, डेवोस का बैकग्राउंड क्या है, तो ज़रा आप ये बताइए कि डेवोस का एक बैकग्राउंड बता दीजिए, हमारे वज़ीर आज़म की इम्पोर्टेंस बता दीजिए और ये जो बातें हुई हैं वहाँ. देखिए, ये जो फोरम है ना, बुनियादी तौर पे ये कारोबार के लिए था, ताकि दुनिया में एक कारोबार जो है उसमें तेज़ी भी आए और बहुत से लोग आके इकट्ठी एक जगह इकट्ठे. ये ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जो है ये पुराने ज़माने के ताजरों वाला है कि वहाँ से चले, एक जगह पड़ाव डाला और वहाँ से दूसरे लोग भी आए और आपस में गुफ्तगू शुरू की और इन्होंने काम शुरू हो गया. ये फिर आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल भी होता गया क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप भी आना शुरू हो गई वहाँ. सो इन एडिशन टू UNGA ये एक और फोरम ऐसा आपको मिल गया कि जहाँ की दुनिया के बेशुमार आपको लीडरशिप जो है वहाँ मुलाकात हो जाती है. इसमें प्राइम मिनिस्टर हमारे जो गए हैं पहली दफ़ा गए हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अच्छा आइडिया है कि चले गए. लेकिन ये जो फोरम है बुनियादी तौर पे पाकिस्तान को चाहिए कि यहाँ हमेशा एक बहुत मज़बूत किस्म का बिज़नेस डेलीगेशन बना के भेजें, बिज़नेस लीडर्स जो हैं उनको भेजा जाए, उनके साथ आपके जो चंद एक वज़रा हैं जो कि इन फील्ड्स में होते हैं, कॉमर्स के हैं, फाइनेंस के हैं, उनको भी साथ भेजें ताकि वहाँ कारोबारी मीटिंग्स के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा सके. बाकी जो दूसरे प्राइम मिनिस्टर के लिए, मेरे ख्याल में अब इस साल चले गए हैं, अब अगले साल देखें अगर कोई इस किस्म की डेवलपमेंट है तो जाएं, लेकिन वैसे जाने की ज़रूरत नहीं है. मेरे हिसाब से तो जो डेलीगेशन है वहाँ का वो प्योरली बिजनेस लीडर्स के ऊपर मुश्तमिल होना चाहिए और वही लोग वहाँ जाने चाहिए. क्यों जी जमील साहब, मैं आप पे आता हूँ इससे पहले कि इमरान अपना एक पोलिटिकल एनालिसिस दें. ये जो कहा है कि ये बिज़नेस फोरम है, ऑफ कोर्स आप कह लो बिज़नेस मार्केट है, फोरम आप कह लो, 87 में जब इसका नाम आया,
जो प्राइम मिनिस्टर की टीम है एज अ फॉर्मर एम्बेसडर, डू यू थिंक के इट वॉज द राइट टीम? बिकॉज हमने तो हर चीज़ को एनालाइज करना है. जैसे कि एम्बेसडर गालिब कह रहे हैं कि भाई अगले साल भी है, तो ये पहली विजिट है हमारे वजीर आजम की. सो यू थिंक दिस वॉज द राइट टीम जो कि हमारे वजीर आजम लेके गए? इसमें देर कुड बी अ डिबेट अबाउट इट, एंड ऑब्वियसली अनलेस दे हैड टेकन कंप्लीट फिजिबिलिटी ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स एंड दे हैड द कंप्लीट स्ट्रेटजी ऑफ द पाकिस्तान इकोनॉमिक पॉलिसी विच हैज़ नॉट बीन नोटिस्ड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड बाय देम ड्यूरिंग देयर स्टे देयर. सो अनलेस अगर ऐसा हुआ नहीं है और जो नज़र नहीं आता है, तो जाहिर है टीम की कोई इतनी अफादियत नहीं रहती है. और ये फोरम, जिस तरह के पहले गालिब साहब ने भी बात की, और ये फोरम बेसिकली तो जाहिर है कि एक NGO है बेसिकली, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा मरबूतियत आ गई, इसमें ज़्यादा इतना मरबूत और मजबूत की हो गया कि दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस सदर होते हैं और तकरीबन 3,000 से ज़्यादा वहाँ बिजनेस लीडर्स आते हैं. लीडर्स उनके साथ ऑब्वियस उनके बाकी स्टाफ भी आता है. लेकिन बतदरीज जब चाइना के प्रेसिडेंट पहली दफ़ा गए 90s में वहाँ, उसके बाद इसकी पॉलिटिकल इम्पॉर्टेंस भी बढ़ गई. और क्यों ना बढ़े, क्योंकि जो भी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है वो इट ड्रॉज इट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम द पॉलिटिकल लीडरशिप विजन एंड कॉन्सेप्ट, क्योंकि डिप्लोमेसी इज द सबसेट ऑफ द पॉलिटिक्स. तो वो इसलिए पॉलिटिकल लीडर आना शुरू हो गए जिसमें अहमियत को बढ़ा दिया. अगराज व मकासद इसके क्या है, उस पर मैं अभी आ जाता हूँ. आपकी जो बात आपने की है मज़ीद अगराज मकासद इसके ये हैं कि दुनिया की जो एजेंडा है, ख़ासतौर पर रीजनल और ग्लोबल एजेंडा, उसको शेपअप किया जाए टूवर्ड्स इंडस्ट्री, टूवर्ड्स बिजनेस और दुनिया की फलाह और बहबूद के लिए. ये था जो इब्तदाई इसके अगराज व मकासद में से मोटी सी बात. अब उसके लिए जब वहाँ जाते हैं, तो मैंने देखा है कि अब जो वर्ल्ड लीडर्स, एकेडमिक्स, उसमें मीडिया के लोग भी बुलाए जाते हैं, उसका मकसद यही होता है कि इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड, जो ग्लोबल वर्ल्ड है, इसमें जब तक के इंटीग्रेटेड अप्रोच ना हो, तो ना किसी मुल्क की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो है वो ज़्यादा परवान चढ़ सकती है, ना किसी मुल्क की इस मामले में बाकी जो उनके अगराज व मकासद हैं इकोनॉमिक्स के, इकोनॉमिक गेन के, वो हासिल हो सकते हैं. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही मजबूत फोरम बन गया बतदरीज. और उसमें मैंने जैसा कि बताया कि 300 से ज़्यादा बिजनेस लीडर, पर प्राइम मिनिस्टर की बहुत सारे बिजनेस लीडर से 3-4 से मुलाकात हुई है. मैं इस चीज़ को समझने में मैं खल की हक बजानब होऊंगा कि यहाँ से कोई प्रोजेक्ट शेप में पहले से एडवांस प्लानिंग करके गालिबन नहीं गए हैं कि जिसमें जाके वहाँ इब्तदाई कोई गेन हासिल किया जाए, ये बताने के बाद कि पाकिस्तान में इस प्रोजेक्ट के ये मौाक़े हैं. और पाकिस्तान, जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि वहाँ हम पाकिस्तान में वन विंडो सिस्टम कर चुके हैं, पाकिस्तान में करप्शन कम हो गई है, पाकिस्तान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हमने काम किया है, तो ये चीज़ें जो पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बता रही हैं, ये प्रोजेक्ट के हिसाब से अगर बाद में उसकी इंगेजमेंट होती, जो टीमें आई हुई हैं वहाँ जिन जिन लीडरान के साथ, बिजनेस लीडरान के साथ प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई है, उन टीमों के साथ, उस सियाको सबाक के साथ अगर फॉलो अप मीटिंग वहीं हो जाती और उसके बाद में जो है पाकिस्तान और बाकी उन ममालिक के जहां जहां से बिजनेस करना चाहते हैं, होना चाहिए था. इमरान, आपको मैं ये क्लिप दिखाता हूं, इसका डोनाल्ड ट्रंप का क्लिप है. वी डूइंग मोर ट्रेड एज इट टर्न्स एंड वी आर वर्किंग टुगेदर ऑन सम बॉर्डर्स एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कश्मीर एंड the relation to what's going on with Pakistan and India, and if we can help, we certainly will be helping. Imran, we are talking about Kashmir. आपको पता है कश्मीर में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया को पता है कश्मीर में क्या हो रहा है. ये साहब झूठ बोल रहे हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट कश्मीर. और भाई तुम तो सुपर पावर हो, अब आप मुझे बताएं, इज दैट द करेक्ट स्टेटमेंट? देखिए, जो ताकतवर आदमी कह रहा है वही ठीक बात है, क्योंकि आप उसको झुठला नहीं सकते वहां बैठ के. या तो आपका प्राइम मिनिस्टर उसके मुंह पे वहां पे कह देता कि जनाब आप क्या देख रहे हैं उसमें, कश्मीर में यू आर डूइंग नथिंग. सबसे बड़ी जेल बनी हुई है इंसानों की, कितनी खराब सूरत हाल है वहां पे. लेकिन हम ये कर नहीं सकते, हमें इस वक्त ताल्लुकात सबके साथ रखने हैं, लड़ाई किसी के साथ नहीं करनी, हम मजबूर हैं. ये जितनी जल्दी हम मान लेंगे कि हम मजबूर हैं, हमारी औकात क्या है, उतनी जल्दी हम कामयाबी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे. ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ताकत के साथ की जाए, डंडे के साथ की जाए या ज़ोर से बोलकर की जाए, क्योंकि हम वो करने की कैपेसिटी अभी नहीं रखते.
इकॉनमी की सूरतहाल आपके सामने, इमरान खान के पैरों में इस वक्त सबसे बड़ी जो बेड़ियां हैं वो जो भी करना चाहता है इकॉनमी उसके आगे आ जाती है, वो कोई बोल्ड स्टेप लेना चाहता है इकॉनमी उसके आगे आ जाती है। ये आदमी बहुत सारे ख्वाब लेकर आया था, इसने ख्वाब कौम को दिखाए भी थे, लेकिन इसकी इकॉनमी के बारे में असेसमेंट ठीक नहीं थी। और फिर पीएमएलएन ने जाते जाते इकॉनमी को कुछ इस तरह के टीके लगाए कि आते ही एक साल तक एक बहुत बड़ा डिजास्टर रहा जिसका इसको सामना था। अब ये आदमी इकॉनमी को जब तक ठीक नहीं करेगा ना, ये डिलीवर नहीं कर पाएगा। याद रखिएगा कि भूख से बड़ा कोई और मसला नहीं होता। जब तक इकॉनमी ठीक नहीं हो जाएगी, इमरान खान कुछ भी नहीं कर पाएगा, ना इस्लाहात कर पाएगा, ना तालीम में कर पाएगा, ना सेहत में कर पाएगा, ना लॉ एंड ऑर्डर में कर पाएगा, ना रूल ऑफ लॉ कायम कर पाएगा, ना लोगों का प्रॉपर तरीके से एहतसाब कर पाएगा। ये कुछ नहीं कर पाएगा जब तक कि इकॉनमी ठीक नहीं होगी। जब हमारे पास खाने के लिए रोटी हो जाएगी ना, फिर हम बाकी चीज़ें देखेंगे कि घर की दीवार बनानी है, फर्श पक्का करना है, छत पे सीलिंग लगवानी है, अब एसी भी लगवा सकते हैं, पैसे बचे हुए हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज देते हैं, ये सारा कुछ हो जाएगा। इस वक्त मामला जो है वो इकॉनमी का है। और पाकिस्तान को हर उस प्लेटफॉर्म पे, मैं ये कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जितना ज्यादा ट्रेवल करे उतना अच्छा है, हर जगह पे जाए, सरकारी खर्च पे जाए, जितना ज्यादा ट्रेवल करेगा, जितनी दूर तक जाएगा, पाकिस्तान का नाम उतनी दूर तक जाएगा। हमारे पास एक ब्रांड तो है ना कम से कम। ओके, एक तनकीद आ रही है वजीर आजम पे कि आपने कहा कि सरकारी खर्चे पे, वो कह रहे हैं यहाँ तो खर्चा कोई नहीं है, हर चीज एक स्पॉन्सर्ड है। इज दैट द राइट वे, स्पॉन्सर्ड? देखिए, मैंने जानबूझकर कहा कि इतना खर्चा नहीं हो जाता सरकारी। सर, इतने भी गए गुजरे हम नहीं है कि हम एक आदमी को ट्रेवल करवा सकें और उसको पूरे प्रोटोकॉल के साथ ट्रेवल ना करवा सकें। इतने गए गुजरे नहीं है हम, इतनी बुरी हालात नहीं है हमारे। अफगानी भी जाते हैं या उनसे कोई गरीब मुल्क वाले भी जाते हैं तो वो भी अपने तगड़े तरीके से जाते हैं। तो हम अपने प्राइम मिनिस्टर का बोझ उठा सकते हैं। हमें इतना दलील ना करें कि आप लोगों से और प्राइवेट इन्वेस्टर से पैसे लेके और उनकी दावतों के ऊपर आप ट्रेवल कर रहे हैं और स्पॉन्सर्ड विजिट आप कर रहे हैं। हम तो लोगों को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। पाकिस्तान को ये डिवोर्स तो एक बहुत बड़ा फॉर्म है ना, पाकिस्तान को किसी किस्म का कोई भी फॉर्म जहां मौका मिले उसको मिस नहीं करना चाहिए। हर जगह अपनी एग्जिस्टेंस उसको शो करना चाहिए। इंडिया ने ये किया था, आपको याद होगा, बांग्लादेश ये करता है। वो दुनिया में हर कोने में हर जगह पे जाता है, चाहे फायदा कम हो ज्यादा हो, वो ये देखते हैं कि हो सकता है 10 साल बाद फायदा हो जाए, 2 साल बाद हो जाए, 25 साल बाद हो जाए, लेकिन अपनी प्रेजेंस वो जरूर शो करें। ओके, चले मैं आपको एक और एक क्लिप दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे और एम्बेसडर गालिब से इसके व्यू लेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो गए हैं वहाँ, इन्होंने क्या बात की है? मेन इशू ऑफ कोर्स इज अफगानिस्तान, बिकॉज़ इट कंसर्न्स द यूएस एंड पाकिस्तान, एंड फॉर्चूनेटली वी आर ऑन द सेम पेज, बोथ ऑफ अस आर इंटरेस्टेड इन पीस देयर एंड एन ऑर्डरली ट्रांजिशन इन अफगानिस्तान विद टॉक्स विद तालिबान एंड द गवर्नमेंट. And also, of course, India, it is a big issue for us in Pakistan. It's a big issue. And of course, we always hope that the U.S. would play its part in resolving it. Okay, very good. That is a very valid point. Aapne sun liya inko. I want you to give some comments on that. Dekhein, India ke saath jab tak hum theek nahi honge, Imran ne bhi sahi baat ki, kahan kahan kiske kiske ladte rahenge. So how do we mend our ways, or India mends its ways, ke that we actually go forward? Kyunki hum to baat kar rahe ek aam aadmi ki. Aam aadmi wahi theek hoga jab hamare bain ul aqwami, aap keh lo ke jo rishte hain, wo theek nahi honge. Ek break ki taraf chalte hain and we'll continue the show. वेलकम बैक टू क्यू एन ए विद पी जे मीर। हम बात कर रहे हैं द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू डेवोस, और भी हमारे वज़ीर आज़म गए हैं, पहले नवाज शरीफ, जनरल मुशर्रफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, सो मैनी अदर्स, क्योंकि ये 71 से ये फोरम चलता रहा है और चल रहा है आगे। मेन चीज़ है, ये बिल्कुल एक मार्केट है जिसके अंदर लोग, कई तो इसको तनकीद करते हैं कि ये सोशलाइजिंग इवेंट है, लेकिन सोशलाइजिंग इवेंट में अभी ब्रेक से पहले जो हमारे वज़ीर आज़म ने बात की, अम्बेसडर गालिब, अब आप मुझे बताएं कि उन्होंने तो एम्फेसाइज वो किए, नेल ऑन द हेड, कि इसका हम क्या करें। देखिए, भारत के साथ इस वक्त जो गुफ्तगु करना है ना, वो मुझे नहीं नज़र आ रहा कि भारत इसके लिए तैयार है। और पाकिस्तान को भी ये चीज़ बार बार बावर नहीं करवानी चाहिए, डिप्लोमेटिकली और वो भी पब्लिकली। आपने अगर डिप्लोमेटिक लेवल्स के ऊपर ये किसी भी मुल्क के साथ, अमेरिका के साथ, दूसरे किसी और मुल्क के साथ आपने ये गुफ्तगु करनी है, तो ये खामोशी के साथ ये सारी गुफ्तगु होनी चाहिए। हम लोग जब
आपने कभी भारत में कहीं ये सुना है या किसी भारतीय लीडर को ये कहते सुना है कि हमें पाकिस्तान के साथ बात नहीं करनी या हम करा दो या नहीं करना चाहते हम? वो जिक्र ही नहीं कर रहे, क्योंकि एक ना एक दिन भारत ने नेगोशिएटिंग टेबल पर आना ही आना है। उसके मुल्क के अंदर जो इस वक्त हालत है, एक तो उन्होंने कश्मीर पे गासवाना कब्जा कर रखा है, वहाँ जो एक तहरीक चल रखी है आज़ादी की, उसको भारत नहीं दबा पाएगा। दूसरी चीज़ यह है कि इनका जो सिटीज़नशिप एक्ट था उसके तहत पूरे मुल्क में जो इस वक्त आग लगी हुई है भारत में, वो मोदी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आएगी। तो जब सिचुएशन इतनी ख़राब होना शुरू होगी तो वो लोग नेगोशिएटिंग टेबल पर आएंगे। उसके लिए ये हमें कहना बार बार कि जी हम इनके साथ गुफ्तगू करें, हमें इनसे बात कराने या आप सालसी कर लें, मीडिएशन कर लें, मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप जो हर दफ़ा कहते हैं कि जी हम मीडिएशन करवा रहे हैं, करने को तैयार हैं, हम देख रहे हैं, सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। सूरत हाल का जायज़ा लेना कश्मीर के ऊपर, ये सेवंथ फ्लीट है, ये अभी तक वैसे ही वैसे चला जा रहा है कि कुछ है नहीं, सो ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है वो लोग कर रहे। तो आपने जो करना है वो आपको अपने जोरे बाजू पे करना है, और जो आपने करना है वो तरीकाकार कानूनन लैंड आप कानूनन उसका है जो आपने देखना है सारा। लेकिन ये जो फोरम है इसमें जाके हमें कारोबार का जिक्र करना, और जो आपने उनसे गुफ्तगू करनी वो मीडिया के आगे, ठीक है एक दफ़ा कर दिया आपने प्राइम मिनिस्टर साहब ने, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम बार बार अब भारत के साथ गुफ्तगू की जो चीज़ है उसको हम सामने लेकर आए और बार बार कहिए आप हमारी मदद करें। चले ये मैं, ये तो इसका एक जो सेकेंड पार्ट है ये मैं एम्बेसडर से पूछता हूँ, जमील से, लेकिन इमरान आई नो यू वॉन्ट टू एड समथिंग। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें पाकिस्तान ने ये स्टेटमेंट जारी कर दिया था कि अब हम भारत के साथ बराह रास्त कोई बात नहीं करेंगे और नाम करना चाहते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप की अपनी एक ख्वाहिश थी, उसको ये गिला करना पाकिस्तान का ज़रूर बनता है कि आपने मीडिएशन का कहा और उसके बाद भारत ने देखें क्या किया। भारत को इस वक्त पाकिस्तान से बात करने की ज़रूरत नहीं है और वो करना भी नहीं चाहेगा। उसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान किसी फोरम पे या किसी जगह पे बात करे ही ना। पाकिस्तान का मसला है कि भारत ने कश्मीर के ऊपर जो वार किया है वो भारत ने किया है। मकबूजा इलाका जो है वो भारत के पास है, पाकिस्तान के पास नहीं है। भारत ने पाकिस्तान के अंदर से कोई इलाका क्लेम नहीं कर रखा कि ये हमें वापस दे दो या हमें फौरी तौर पर चाहिए, हमारा सांस बंद हो रहा है। पाकिस्तान को प्रॉब्लम यह है कि हमारे लिए एक बहुत बेचैनी का अमल है कि कश्मीर भारत के कंट्रोल में है और भारत ने उस पर अपना तसल्लुत कायम किया हुआ है, एक कब्जा किया हुआ है। लिहाजा हमें इसके ऊपर बात बार बार करते रहना पड़ेगी। हमें दुनिया में जहाँ भी जाएंगे कश्मीरियों की बात करनी पड़ेगी और भारत को बेनकाब करना पड़ेगा, बार बार कहना पड़ेगा कि आप भारत पर दबाव डालें, आप अपना किरदार अदा करें, जंग हो जाएगी तो सारे भुगतेंगे, कोई भी नहीं बचेगा। और हम आपको फिर बता रहे हैं कि हम भी एटॉमिक पावर हैं और भारत भी है, इस बात को आप समझिए। पाकिस्तान ये बात जितनी ज़्यादा हैमर करेगा, जितनी ज़्यादा ये बात करेगा, मेरे ख्याल में ये बेहतर है। हाँ हम मिन्नत नहीं करेंगे भारत के साथ कि हम भारत से बैठ के कोई बात करें, समझ ना पाए। मैंने जो कहा था वो ये था कि हमें भारत के लिए गुफ्तगू करने के लिए बात नहीं करनी चाहिए, कश्मीर का तो हर फोरम के ऊपर जिक्र होना चाहिए। 7000 से ऊपर यूएन एजेंसीज हैं, 7000 फोरम हैं यूएन बॉडीज के, हमें हर फोरम पे जाके बात करनी चाहिए। बिल्कुल, भारत से गुफ्तगू करने की बात अगर करनी है तो बराबरी की बुनियाद पे करनी होगी आपको। अच्छा जमील साहब ये देखें ना, अभी जो एम्बेसडर गालिब और इमरान बात कर रहे हैं, ये फरमा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान पहले ही इस पॉलिसी को अडॉप्ट कर चुका है। यस दैट्स राइट। लेकिन जमील साहब ये जो इमरान और ये जो हमारे एम्बेसडर हैं, ये दोनों एक बात कर रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आप देखें, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ पे भी आते हैं, एनवायरनमेंट पे भी बात आती है, स्टेट को तकड़ा करने की भी आती है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो कश्मीर में है, आई मीन पाकिस्तान इस पे तो जस्टिफाइड है ना, कम अज़ कम वो कह सके कि भाई लुक आप यहाँ डेवलपमेंट की, ह्यूमन लाइफ की डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, तो लेकिन ये जो ब्लेटेंट वायलेशंस है कम अज़ इस पे भी तो कुछ यू नो जोर देना चाहिए। जी हाँ, ये बेर साहब आपने बिल्कुल ये बजा फरमाया और यही हमारी कमज़ोरी है। आप अंदाज़ा करें कि लीगल डिप्लोमेसी के ज़ुमरे में ये बात आती है, और लीगल डिप्लोमेसी में जब यूएन हाई कमिश्नर ह्यूमन राइट अपने आंसुओं और सिसकियों के साथ अपनी 250 सफ़ों की रिपोर्ट पेश करता है, पिछले साल वो पूरी दुनिया के लिए रिपोर्ट थी, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं थी वो,
और वो उस रिपोर्ट के बाद जो ह्यूमन राइट वायलेशन के सारे तस्करे हुए, ये वही बातें हैं जो हम अपने तौर पर करते रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा लिखा गया इसमें ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से। अब उसको फॉलो करने के लिए पाकिस्तान ने कश्मीर डेस्क बनाए, मेरे बड़े मोहतरम दोस्त गालिब साहब बैठे हुए हैं, वो शायद इसमें ऐड करना चाहें। मैंने चेक किया तो माँ सिवाय यूके या एक आध जगह शायद वो डेस्क थोड़ा बहुत काम कर रहा है, बाकी जगह सिर्फ डेस्क ही डेस्क है और बाकी काम कुछ नहीं हो रहा है उस पर। और काम न होने की बहुत सारी वजूहात भी हैं उसमें, जो हमारी कोशिशें हैं उसको उसमें कई गुना इजाफा करना पड़ेगा, क्योंकि चैलेंजेस जो है वो बिल्कुल स्काई रॉकेटिंग किस्म के चैलेंजेस हैं कश्मीर में। और कश्मीर क्योंकि हमारे फॉरेन पॉलिसी का कलीदी नुक्ता है, कॉर्नर स्टोन है, और उस पर अगर हम सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बात करके आ जाएं, प्राइम मिनिस्टर ने तो यकीनन बहुत दफ़ा बात की, और प्राइम मिनिस्टर ने एक मरतबा नहीं मुतअद्दिद बार कहा है कि कश्मीर वो मसला पड़ गया है जहाँ की दो न्यूक्लियर कुव्वतें आमने सामने खड़ी हैं, और दुनिया को पता है कि अगर खुदा ना खास्ता जंग छिड़ जाए तो शुरू हो सकती है, ख़त्म का किसी को पता नहीं। अब बहुत सारे थिंक टैंक इस पर बात कर चुके हैं, अमेरिका में बहुत सारी इस पर लिटरेचर अवेलेबल है, दुनिया के बाकी ममालिक में है कि दो न्यूक्लियर पावर और अगर कोई खुदा ना खास्ता न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट आ जाए तो फिर क्या बनेगा दुनिया का। मैं चंद लम्हों में बता दूं आपको कि दुनिया क्या कहती है और साइंटिफिक इसकी तहकीक क्या है। साइंटिफिक इसकी तहकीक यह है कि अगर दुनिया के किसी हिस्से में भी कोई न्यूक्लियर अगर वेपन इस्तेमाल हो गया तो 50 किलोमीटर तक आसमान में उसका धुआं जाता है और 7 दिन के अंदर पूरी दुनिया में फैल जाता है, कहत हो जाती है, फसलें ख़त्म हो जाती हैं, मौसम तब्दील हो जाते हैं। तो दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, उनको पता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि जिस तरह इमरान खान ने मुतअद्दिद बार इसका जिक्र किया है, सिर्फ इमरान खान ही अगर इसका जिक्र करता रहेगा और हमारे बाकी ममालिक में जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हमारे सफारतखाने हैं और हमारी जो एलाइज हैं, अगर वो कोई सेमिनार इस पर न कर सकें, कोई सेम्पोजियम न कर सकें, कोई पब्लिक डिप्लोमेसी में वहाँ के लोगों को मुतालका ममालिक को लोगों को मिलाकर ये बावर ना करा सकें कि वहाँ ह्यूमन राइट की क्या वायोलेशन हो रही है और उसकी वजह से क्या असरात मुतरतब हो सकते हैं, किस किस्म के इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, जब तक ये सारी चीज़ें ना हों तो बॉटम्स अप प्रेशर डेवलप नहीं हो सकता उन मुतालका ममालिक में। जो कलीदी ममालिक हैं, खासतौर पर P5 ममालिक, उनकी मीडिया तो बहुत बात कर रही है कश्मीर के बारे में, उनकी हुकूमतों के सर पर जूं नहीं रेंग रही है। वो इसलिए जूं नहीं रेंग रही है कि इंडिया से बहुत सारे मफादात बहुत सारे ममालिक के मुंसलिक हैं और इंडिया ने अपना एक जो नेटवर्क और जाल बिछाया हुआ है वो काफ़ी चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो हमें उसका काउंटर मेजर लेने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इस स्ट्रेटजी को अपने आगे लेके चलें। और जिस तरह के आज यानी कल शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर डे के हवाले से एक पूरा प्रोग्राम दिया है कि 25 को क्या करेंगे, 26 को क्या करेंगे, 27 को करेंगे, वो पाकिस्तान में तो कर रहे हैं, दुनिया में क्या होगा, दुनिया को कैसे पता होगा। बड़ी उर्दू चैनलों पे बड़ी बातें हो रही हैं, दुनिया अकवाम को इस चीज़ पर सेंसिटाइज किस तरह किया जाएगा। ये जो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया, आप तो गए कश्मीर सेंटर्स में, ब्रसल्स में, आपने डिस्कोर्सेज देखी हैं वहाँ, आप जाके यूरोपियन मेंबर से भी मिले कि कश्मीर का बताया ये तो ये जो अभी जमील साहब बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में तो मियाँ मिठू हैं, हमने किससे सुना है, कोई नहीं सुनेगा, आपने तो बाहर जाके बात करनी है और आपने कश्मीर सेंटर बंद कर दी। देखिए, आपकी गुफ्तगू ही सारी बाहर होने की ज़रूरत है, आप ये पाकिस्तान में तो किसी को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जितनी गुफ्तगू करनी है बाहर करनी है, और बाहर जाके जितने इस वक्त पाकिस्तानी बाहर रहते हैं उनको अपने अपने इलाके के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास जाने की ज़रूरत है कि जी आप, हम आपको वोट तब देंगे जब आप ये इशू उठाएं। हर एक जगह से अगर आप तो एक एक वोट भी लेते हैं तो आपके ऊपर दुनिया में भर में से आप भारत के ऊपर आप प्रेशर डाल रहे हैं, और फिर आपके जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में खबरें आ रही हैं, पहले तो 5 अगस्त के बाद तो फौरी तौर पर बेतहाशा खबरें छपी, टीवी पे भी आया, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सारा ख़त्म हो गया, हमारे अपने मीडिया से ख़त्म हो गया। तो इस चीज़ को अगर आपने ज़िंदा रखना है, BBC अगर इंडिया वाले जो हैं अपने कारोबार के ज़रिए उसको स्पॉन्सर करके BBC वहाँ से चल रहा है, तो उसका एक
نام ہے بی بی سی کا وہ پوری دنیا میں جا رہا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں, اپنی مرضی کی خبریں وہاں سے وہ دے رہے ہیں. ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے چیمبر آف کامرس یہ کام کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ کو انٹرنیشنلی اس چیز کو اجاگر کروانا ہے, اور کروانے کے لیے آپ کو جو روایتی باتیں ہیں وہ نہیں. بھائی کل ایک آدمی نے بڑی اچھی میں بتاؤں جملہ بولا, خبر چل رہی تھی کہ 5 فروری کو پاکستان کے تمام لوگ انسانی زنجیر بنائیں گے کشمیریوں کے یکجہتی کے لیے. اس نے کہا جی یہ انسانی زنجیر کا معاملہ نہیں ہے, یہ آئینی مکے کا معاملہ ہے, اسی سے حل ہوگا. تو اگر آپ نے آگے بڑھ کر یہ چیزوں کو یو کین ناٹ ریئلی کیپ آن کنورٹنگ دا پیپل ود ان پاکستان, یو نیڈ ٹو کنورٹ دا پیپل ہو آر آؤٹ سائڈ پاکستان, ان کو بتانے کی ضرورت ہے, وہاں ان تک پہنچنے کی ضرورت ہے آپ کو. اور اگر آپ وہاں تک نہیں پہنچ رہے تو پھر آپ دیکھیں کس چیز میں کمی ہے, ہمیں وہ کمی پوری کرنی ہے اور کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. اوکے, ایک ہم بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کے بعد کہ امریکہ کیا پاکستان کی وہ مدد کر سکتا ہے جو ہم کہتے ہیں کہ آپ میڈیٹ کرو, کیا ہندوستان امریکہ کی بات سنے گا, کیا وہ چائنا کی بات سنے گا, کیا وہ رشیا کی بات سنے گا؟ آپ یہ آپ نے مجھے بتانا ہے, کیونکہ ہم دیکھو ہم 70 سال سے زیادہ ہو گئے اور آپ دیکھو کشمیر میں کیا اٹراسٹیز ہیں. دا کوشچن از, عمران نے بڑی اچھی بات کی ہمارے وزیر اعظم نے کہ دونوں نیوکلیئر ہیں اور اگر کوئی فلیش آؤٹ ہو جاتا ہے تو دین دا ہول ورلڈ گوز. سو اس کے اوپر دنیا کتنی سنجیدہ ہے, اس کا ذرا مجھے جواب دیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو کیو این اے ود پی جے میر. عمران, آپ سے جو سوال کیا ذرا اس کا مجھے جواب دیں, امریکہ کیا ہماری ایکچولی مدد کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ ویزے تو دیتا نہیں ہے وہ, پھر کہتے ہیں جی ہم آپ کے دوست ہیں, یو نو آپ ہمارے نان نیٹو الائنس پارٹنر ہیں, سب سے بڑے تجارت ہم کرتے ہیں, ویزے دیتے نہیں ہیں, یہ کشمیر کا کیا کریں گے کچھ ہمارے لیے؟ دیکھیے یہاں سارے اپنی مدد کریں گے, جو ملک بھی کرے گا اپنی مدد کرے گا, اپنے لوگوں کی مدد کرے گا, وہ یہ دیکھے گا کہ اس کو کس چیز میں فائدہ ہے. اگر پاکستان امریکہ کے فائدے میں ہوگا تو وہ پاکستان کی بات مانے گا, انڈیا فائدے میں ہوگا تو انڈیا کی بات مانے گا. انڈیا نے بڑی تیزی سے اپنا اور دنیا کا فائدہ جو ہے وہ یکجان کیا ہے, اس نے کوشش کی ہے کہ دنیا کا فائدہ اس کے فائدے کے ساتھ مل جائے. ملٹی نیشنل کمپنیز کو وہ لے کر گیا انڈیا میں, اپنے لوگوں کو ٹرین کر کے پوری دنیا میں بڑی بڑی کمپنیز میں اس نے بھیجا, انہوں نے اپنے اور دنیا کے سٹیکس کو مشترکہ کیا ہے. پاکستان آئسولیٹڈ رہا ہے, پاکستان نے ایسے لوگ ٹرین نہیں کیے جو جا کے سی ای او لگے ہو بہت ساری کمپنیز کے اندر, ایسے لوگ ٹرین نہیں کیے جن کی وجہ سے دنیا چل رہی ہو, یا پاکستان نے ایسے لوگوں کو پاکستان میں دعوت نہیں دی جو پاکستان میں آئیں اور آ کے اپنے سٹیکس یہاں پہ چھوڑ کے جائیں یا یہاں پہ انویسٹ کریں. تو پاکستان تھوڑا سا آئسولیٹڈ ہے, انڈیا جو ہے وہ زیادہ وائبرنٹ ہے, وہ بہت زیادہ متحرک ہے اور بہت اندر تک پینیٹریٹ کر گیا انٹرنیشنل جو پارز ہیں ان کے. تو یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس وجہ سے تو کوئی پاکستان کی بات نہیں سنے گا کہ وہاں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. ان کا فائدہ انڈیا کے ساتھ ہے, وہ انڈیا کی بات سنیں گے. ہاں ایک نقطہ جو ہمارے پرائم منسٹر بار بار کہتے ہیں وہ ہے اصل بات, کہ یہ نہ ہو کہ انڈیا کے ساتھ اپنے تھوڑے فائدے کے لیے آپ پوری دنیا کا ایک بڑا نقصان کروا لیں. اگر پاکستان اور انڈیا لڑ پڑے اور دونوں نے اپنے 10-10 بم بھی پھینک دیے ایک دوسرے کے اوپر, تو یہ دنیا ایک بھیانک جگہ ہو جائے گی رہنے کے لیے. اگر تو فرانس, جرمنی, اٹلی, چائنا, جاپان اور امریکہ اور برطانیہ کے پاس اور بے شمار دوسرے ملکوں کے پاس رہنے کے لیے اس زمین کے علاوہ کوئی اور جگہ ہے, تو پھر تو وہ رسک لے لیں انڈیا کے ساتھ تعلقات نبھانے کا. لیکن اگر ان کے پاس رہنے کے لیے صرف یہ ایک پلانٹ ہے, دین دے ہیو ٹو تھنک اٹ, اور سیریسلی ان کو سوچنا پڑے گا. اب اس سوچ تک لانے کے لیے بھی پاکستان کو تھوڑا بولڈ ہونا پڑے گا, تھوڑا اور زیادہ متحرک ہونا پڑے گا. اور اسی کی بات ابھی جو دونوں دوسرے آپ کے مہمان ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے تھے, تو میرے خیال میں ٹائم ہیز کم. پاکستان امپورٹنٹ ہے لیکن سب کے لیے اہم نہیں ہے, سروائیول کے لیے امپورٹنٹ ہے, اسٹریٹجیکلی بڑا امپورٹنٹ ہے, طاقت کے لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے, لیکن ان کی دوستی کے لحاظ سے, تعلقات کے لحاظ سے, ان کے چھوٹے بڑے اکنامک فائدوں کے لحاظ سے پاکستان اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. تو پاکستان کو ہر محاذ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح کہا. اب جمیل صاحب, ایک جوناتھن پیرس ہیں, یہ ایک آپ کہہ لو کہ اینالائز کرتے ہیں, ان کی ایک رپورٹ ہے لگاٹم انسٹیٹیوٹ کی,
جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جو لوگ کہتے ہیں از اے فیل اسٹیٹ, وہ کہتے ہیں پاکستان از ناٹ اے فیل اسٹیٹ بٹ اٹ ول ٹرنڈل آن, کہ چلو دھکا شاہی سے وہ چلتا رہے گا. اب آپ مجھے بتائیں, یہ انٹرنیشنل رپورٹ ہے لگاٹرم انسٹیٹیوٹ کی, اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ٹرنڈل آن ہے, دھکا شاہی سے جو ہم نے چلنا ہے, اس سے ہم کب باہر نکلیں گے؟ دیکھیے, وہ پاکستان میں پوٹینشیلس تو ہیں باہر نکلنے کے. پاکستان میں جس کی چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جس طرح عمران خان کا ایک ویژن ہے, عمران خان کا ایک مشن ہے, عمران خان کے پاس گولز نہیں ہیں, وہ اس کی ٹیم نے بنانے ہیں عمران خان پرائم منسٹر کی, اور گول کے بعد جو امپلیمنٹیشن کا کام ہے اس کی ٹیم مل کر بیوروکریسی کے ساتھ کرتی ہے. دیٹ از ہاؤ اٹ ہیپنس, یور ویژن, یور مشن, یور گول اینڈ یور امپلیمنٹنگ ٹولز اینڈ امپلیمنٹنگ پلان. ناؤ آئی ہیو ناٹ ریئلی مانیٹرڈ اینڈ آئی ہیو ناٹ ریئلی وٹنسڈ دیٹ وی ہیو اے ویری کمپریہینسو امپلیمنٹنگ پلان. فرسٹ آف آل, ان موسٹ کیسز وی ہیو ناٹ میڈ آر گولز, واٹ ایور وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ان سو مینی سیکٹرز واٹ پرائم منسٹر ہیز بین سیئنگ. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں پرابلمس ہیں. پرائم منسٹر کہتی ہیں کہ ہم انصاف ساروں کے لیے فراہم کریں گے, بالکل صحیح ہے, کہنا بھی یہی چاہیے, اور ان کی خواہش بھی ہے, ان کا ویژن بھی ہے, اور وی ڈیفینیٹلی سی اٹ ود لاٹ آف ہوپس اینڈ ریسپیکٹ. لیکن پرائم منسٹر کا کام تو نہیں ہے کہ اس کو امپلیمنٹنگ لیول پہ جا کے بنا کے دے کہ جی یہ آپ کا ایئرلی امپلیمنٹنگ پلان ہے, یہ آپ کا منتھلی امپلیمنٹنگ پلان ہے, یہ آپ کا ویکلی امپلیمنٹنگ پلان ہے. اب یو این او میں بھی جب میں تھا ادھر, تو وہاں اس ویژن اور مشن کے بعد جو گولز بنتے تھے وہ ہم لوگ پالیسی میکر بناتے تھے, اور امپلیمنٹنگ کے لیے فیلڈ آفیسرس کے حوالے کرتے تھے ہم. پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے, اس چیز کا فقدان ہے. اب آ جائیں دوسری بات آپ کی, ان تمام چیزوں کی وجہ سے آپ کی اکانومی نہیں پک کر رہی ہے, اور اس اکانومی نہیں پک کرنے کی بہت ساری وجوہات ہیں. میں اس کی سطحی بات پر نہیں جاؤں گا, میں صرف اس کی موٹی موٹی بات پر جاؤں گا. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات تو کرتے ہیں, لیکن آن گراؤنڈ وہ نہیں ملتی. جو لیول آف کمفرٹ ہونا چاہیے انویسٹرز کا, آپ باہر کے انویسٹرز کی بات تو چھوڑ دیں نا, جو آپ کی اپنی اوورسیز انویسٹرز ہیں یا اپنے ملک میں جو انویسٹرز ہیں وہ اپنا پیسہ نکال کے کیش کر رہے ہیں, تو باقی لوگ کیسے بنائیں گے؟ تو آئیڈینٹیفائنگ دوز پرابلمس وچ ہیز بین آئیڈینٹیفائڈ ایٹ دا اسٹریٹجک لیول, بٹ آئیڈینٹیفائنگ دوز پرابلمس اینڈ ایڈریسنگ اٹ از ویری امپورٹنٹ. ہمارے پاس فارن پالیسی میں ہم کشمیر کو کلیدی پوائنٹ کہتے ہیں, فارن پالیسی میں ہمارے اس وقت جو ہے افغانستان کا مسئلہ ہمارا بالکل کلیدی پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیا ہم نے اس پر کوئی 24/7 بیسس پر ایسی کوئی ہم نے میکینزم بنایا ہوا ہے کہ اس خطے میں جو ڈائنامکس بتدریج ڈیلی بیسس پہ چینج ہو رہے ہیں اس پہ نظر رکھ کے اپنی الائنمنٹ کریں, اپنی ایڈجسٹمنٹ کریں؟ ایسا نہیں ہے. اس لحاظ سے جو لوگ لکھ رہے ہیں ہمارے بارے میں, اس ان کے پاس جواز ہے لکھنے کا, لیکن اس کے باوجود میں اس چیز کا بہت بھرپور طریقے سے حامی ہوں, اور میرا یہ فرم بلیف ہے کہ پاکستان میں پوٹینشیلز بہت زیادہ ہیں, اور اس پوٹینشیلز کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں کہ پچھلے 30 سال سے جو پوٹینشیلز انٹیپ رہ گئے ہیں اس کی وجوہات پرائم منسٹر نے ڈائیو میں بتایا ہے ابھی 3 دن پہلے, اور ان کا ہے کہ جی گورننس ویک تھی, ہم ساروں کو پتا ہے گورننس ویک تھی, اور گورننس ہماری بڑی تباہ زبوں حالی میں تھی اس ملک کی. پرائم منسٹر نے بتایا ہے کہ کرپشن تھا, ساروں کو پتا ہے کرپشن ہے, ٹھیک ہے, اس پہ بہت ساری ڈبیٹ ہو سکتی ہے, لیکن اب اس 18 مہینوں میں اس قوم کے پاس ایک پلان ہونا چاہیے. پرائم منسٹر 21ویں صدی کے لحاظ سے بات کرتے ہیں, جو ہمارے پاس امپلیمنٹنگ ٹولز ہیں وہ 19ویں صدی کے حساب سے چل رہے ہیں. تو دیر از اے مس میچ, دیر از اے گیپ. پرائم منسٹر از ٹیکنگ اے اسپیڈ آف 120 فار ایگزامپل کلو میٹر پر آور, جو امپلیمنٹنگ ٹولز ہیں ان کی 60 سے آگے اسپیڈ نہیں بڑھ رہی ہے. تو اٹس فار دس ریزن دی انٹائر ورلڈ از لوکنگ ایٹ اس کہ جی آپ انویسٹمنٹ کی بات تو کرتے ہیں, ٹوریزم کی بات تو کرتے ہیں, بٹ وڈ اٹ بی پاسبل اف دے میک دی انویسٹمنٹ؟ وہ کہتے ہیں جی آپ کے اپنے ملک کو انویسٹ کر نہیں رہے, ہم اگر آپ انویسٹ کریں گے. اس وقت جو آپ کی ایف ڈی آئی, جو پرائم منسٹر نے پرائم منسٹر نے جو اس دفعہ ایف ڈی آئی کی بات کی ابھی 3 دن پہلے, اس جی آپ نے بالکل, اس میں ہاٹ منی اس وقت آ رہی ہے پاکستان میں, پاکستان میں لوگ ٹریجری بلز لے رہے ہیں. یہ جو آپ نے ساری باتیں کی ہیں, دے بین ڈائجسٹڈ, ویری ویل سیڈ, بٹ شیر جو ہوتا ہے جنگل میں
उसके ऊपर भी वो छोटी छोटी चिड़ियाँ आती हैं, उसको साफ़ करती हैं, वो हिप्पो जो होता है, दरियाई घोड़ा जिसको कहते हैं, उसके ऊपर भी वो आती हैं, उसको क्लीन करती हैं। शार्क के ऊपर भी छोटी छोटी मछलियाँ क्लीनिंग फिश होती हैं। आप बताएंगे कि हमारे वज़ीर आज़म और पुराने वज़ीर आज़म भी इनको जो चिमड़ जाते हैं ये फ़ोटोशॉप्स, और इनको चिमड़ जाते हैं ये हवारी और ये जो चमचे, डोंट यू थिंक कि ये मरवाते हैं? आई मीन देर इज़ नो डाउट इन इमरान, यू नो, आप कह लो नियत, ही वॉन्ट्स टू डू वेल, बट डू यू थिंक ये जो हमारे वज़ीर आज़म कोई भी हो, उसको जो ये चिमड़ जाते हैं सारे फ़ोटोशॉप और बाद में तस्वीरें लगा देते हैं सोशल मीडिया पर, डू यू थिंक दीज आर द काइंड ऑफ पीपल हु डैमेज, यू नो? मेरे ख्याल में वो तो जी, क्योंकि ये असल में जो स्टाफ होता है ना, पर्सनल स्टाफ, उसकी जिम्मेदारी होती है कि प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की चीज़ों से बचा के रखा जाए, या प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को। सो अगर वो हर चीज़ सही कर रहे हैं तो फिर ये नज़र नहीं आएंगी चीज़ें आपको। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हैं तो उसमें एक मसला ये भी होता है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत ख़तरनाक साबित चीज़ हो सकती है। सो इसलिए बेहतर है कि इन चीज़ों को आप जो सरकारी आपकी ड्यूटीज़ हैं उसके दौरान इस चीज़ को आप करने की इजाज़त ना दें, ना दें। चले जी इमरान, अब आप मुझे बताएं, हमारे वज़ीर आज़म क्या ये चमचों के शिकार हैं या नहीं है? देखिए, मैं इमरान खान को थोड़ा सा इनसे मुख्तलिफ देखता था, और मैं, मेरे मुतासर होने की एक वजह भी ये है इमरान खान से, जो एक एलिमेंट है जिससे मुझे लगता है कि वो खुशामद पसंद टाइप का आदमी नहीं है, और बड़ा नॉर्मल तरीके से रहकर बात करता है सबके साथ। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से इमरान खान साहब के फैसले, उनके कंप्रोमाइज़ेस, और जहाँ जहाँ उन्होंने सरेंडर किया है, वो ये लगातार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान वही है जो इससे पहले के लोग थे। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ वो ऐसा नहीं था, लेकिन ये फैसले कह रहे हैं कि ये वो वाला इमरान खान नहीं है, ये बदल रहा है। अब खान साहब कितना इसको रेजिस्ट कर सकते हैं, कितना चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है उनके ऊपर। क्योंकि ये लीडर के लिए बहुत बड़ा, आपने बड़ा बारीक नुक्ता उठाया पीजे भाई, ये बहुत बड़ा इम्तिहान होता है एक लीडर के लिए, और ये फेज़ तमाम लीडर्स पे आता है। इसमें से जब वो निकल जाएगा ना, तो फिर वो अपने आप को लीडर कह सकता है और तारीख उसको याद रखेगी। इस चुंगल में फंस के पाकिस्तान में बेशुमार लोग लीडर बनते बनते रह गए, अब खान साहब का इम्तिहान है वो क्या करते हैं। थैंक यू वेरी मच इमरान, थैंक यू वेरी मच एम्बेसडर गालिब, एंड ऑफकोर्स थैंक यू एम्बेसडर जमील। इमरान खान द प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल एक तो सारे यूनानिमस हैं, उनकी नियत पे कोई शक नहीं है, लेकिन बात आती है टीम की, इज़ द टीम डूइंग इट और नॉट। और इमरान ने तो अभी बात नहीं की है ये कि वो कहाँ इशारा कर रहे थे, इशारा पंजाब पे ही हो रहा था, द बिगेस्ट प्रोविंस। अब ये एक डायलेमा है, ये एक घर घर के अंदर बात हो रही है। अब व्हेन इमरान खान कम्स बैक, देन लेट्स सी कि वो द प्राइम मिनिस्टर हैज़ इन स्टोर फॉर यू। लुक आफ्टर योरसेल्फ, लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।